यादव, अखिलेश यादव मुलायम सिंह। किस तरह का धरना प्रदर्शन, कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन आपके लिए? ये हेतिमपुर महुआटी मार्ग है और करीब ये 4-5 साल से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस पर दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग इस पर घायल हो चुके हैं। और इस सड़क को लेकर के पिछले 1 साल पहले समाजवादी पार्टी के सभी साथियों नेताओं के सहयोग से हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन इसी चौराहे पे, इसी जगह पे किया था। और उस समय तत्कालीन SDM महोदय और विभाग के लोग आकर के हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि इसका टेंडर हो गया और समय से ये सड़क बन जाएगी। लेकिन 1 साल हो गया और कहीं भी ये सड़क का न मरम्मत हुआ और न सड़क बन करके तैयार हुई। उसी तरह से ये सड़क आज भी पड़ी हुई है और हालात ये है कि आज ये सड़क जानलेवा हो गई है। इसलिए हम आंदोलन पे बैठे हैं कि जब तक ये सड़क बनेगी नहीं तब तक हम लगातार इस आंदोलन को करते रहेंगे, पीछे हटने का काम नहीं। कब मतलब टाइम पास हो गया है सर, क्या कहना इसके बारे में? मंत्री जी पूरी तरह से झूठ के पुलिंदा हैं। हम मंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं। आपको बता दें कि ना तो ये सड़क पास हुई है और ना ही इसका कोई टेंडर हुआ है। अगर टेंडर हुआ हो सड़क पास का तो मैं कहता हूं कि मैं आज ही समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सड़क जो अन्य जिला मार्ग में इन्होंने प्रस्तावित किया है वो 551 नंबर पर है और पूरे प्रदेश के अन्य जिला मार्ग में मात्र 550 करोड़ है, जिससे 20 से 25 सड़कें बन सकती हैं। और ये सड़क जब 551 नंबर पर है तो ये सड़क कोई सवाल ही नहीं है कि ये सड़क बन पाए। इसलिए हम इस झूठे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री झूठे मंत्री सूर्य प्रताप शाही की निंदा करते हैं और उनके झूठे घोषणा को थू करते हैं कि इस तरह से जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।